इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटिंग लगाई थी जेड प्लांट की कोई 4-5 महीने पहले, और अभी इसकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी हो रही है बाहर के सीज़न में। और जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है, इसकी जो कोई भी आप कटिंग लगाओगे छोटी से छोटी भी, और वो बहुत ही आसानी से चल जाती है। फ्रेंड्स, ये है मेरे पास बड़े वाला जेड प्लांट, इसी से हम कटिंग लेंगे और अभी ग्रो करेंगे। और जेड प्लांट की जो कटिंग है वो कभी मरती नहीं है, और बाहर के सीज़न में लगाओगे तो 100% इसका जो रिज़ल्ट है हमें मिलता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटिंग ले ली है, अभी हम इनको एक गमले में ग्रो करेंगे और बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी ली है और ये बेल रेन मिट्टी है जिसमें पानी नहीं रुकता है, तो आपने भी ऐसी मिट्टी लेनी है कटिंग को ग्रो करने के लिए। और थोड़ा सा गीला करके आप कटिंग इसमें लगाते चाहिए जितनी आप लगा सकते हैं, और गीली मिट्टी होने से जो कटिंग है हमारी बहुत ही आसानी से लग जाएंगी और बहुत आराम आराम से अपने कटिंग को ग्रो करना है। और 2-3 दिन के लिए जो है शेडी प्लेस में इसको रख देना है जहाँ इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, फिर इसको डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं आप। और कटिंग को बार बार पानी नहीं देना है, और बार बार पानी दोगे तो ये गल जाती हैं फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से कटिंग लगा ली है, अभी मैं इसको 2-3 दिन के लिए ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, और उसके बाद मैं इसको 3-4 दिन के बाद इसको मैं धूप में रख दूँगी, फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी रूट बन चुकी हैं, और इस कटिंग को मैंने कोई 1 महीना पहले लगाया होगा इन टोकरियों में, जो पटूनिया की टोकरियाँ मैंने लगाई हैं उनके बीच मैंने इनकी जेड की कटिंग लगाई थी, और उसमें भी जो छोटी छोटी रूट हैं वो बन गई हैं। और ये मैंने कोई 2 महीने पहले कटिंग लगाई थी जब मैंने जेड प्लांट को शिफ्ट किया था बड़े गमले में, तब टूटी थी तब लगाई थी। और अभी देखो इसकी 2 महीने में कितनी बड़ी बड़ी रूट हो गई हैं, इनकी अभी 1 महीने वालों की छोटी छोटी हैं अभी। कटिंग इसकी आप चाहे छोटी लगाओ बड़ी लगाओ, कटिंग इसकी मरती नहीं है। ये देखिए मैंने इसमें टोकरियों में भी लगाया हुआ है, और ये बहुत ही आसानी से चल भी जाएगा।